नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप और ये वक्त है हरियाणा की बात का। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। शुरुआत करते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि देश कैसे आगे बढ़े इसके लिए वक्त वक्त पर नीति आयोग बैठक में योजना बनाता है। इस बार की बैठक के लिए हमने कृषि फसल विविधीकरण पर चर्चा की है और ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती कैसी बढ़ाई जा सके उस पर भी चर्चा की गई है। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में इसके अलावा पशुपालन, मछली पालन और बागवानी के जरिए किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए इसको लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। वहीं नई शिक्षा नीति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई, ये जानकारी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि केंद्र ने साल 2030 में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में साल 2025 तक नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की आगामी बैठक में हरियाणा प्रदेश के सभी विषयों और योजनाओं को विस्तार से रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी क्षेत्रों का विकास और नागरिकों के जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने का सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है, उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं। तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर के हमने चर्चा जो की है नीति आयोग के माध्यम से, अपने देश को हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर वन अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था में कैसे कैसा बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। दूसरा विषय उसके अंदर शिक्षा का है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो NEP को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं, KG-2 PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया।